नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली कैंट विधानसभा के वार्ड नंबर 1 में। हमारे साथ दिल्ली कैंट मंडल के कोषाध्यक्ष हैं दीपक तंवर जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है, धन्यवाद, कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है सर, भाजपा में जो जुड़ाव है, कैसे और कितने वर्षों से आपको जुड़ाव है? हमारा जो राजनीतिक करियर है वो बचपन से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो पूरा परिवार है वो राजनीतिक रहा है। मेरे सगे ताऊ जी हैं रामपत तंवर जी, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। बाकी हमारे परिवार में करण सिंह तंवर जी भी रहे जी, पूर्व विधायक हमारे जी, पूर्व विधायक हैं जी, और बचपन से हमारा राजनीति में ही गुजरा है पूरा। तो सर, ये जान लेते हैं, अब जैसे कोविड आज भी जारी है, जब भी कोरोना लॉकडाउन लगा 23 मार्च को, तो उस समय से अब तक आपकी क्या सेवाएं रही? आपके यहाँ किराएदार वर्ग भी काफ़ी हैं जी, तो क्या आपकी सेवाएं रही सर? नहीं, हमने बहुत ही, चाहे किराएदार हमारे भी हैं या कोई और भी हैं, उनके साथ बहुत, मतलब जिसे कहते हैं ना घरेलू संबंध, बिल्कुल उस तरह से रखा उनको। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, हर तरह से उनको जो है कोई ये दबाव नहीं कि भाई किराया देना है नहीं देना, जो भी है, मतलब इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं। और ये भी साथ में कहा कि भाई अगर किसी को कोई समस्या है, दवाई की है या खाने पीने की है, उससे भी हम जो है आपको परिपूर्ण रखेंगे। तो सर, आपने सब चीज़ को कैसे आपने मैनेज किया? इस समय आपने अपनी जान भी देखनी है और सेवा भी करनी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोविड के टाइम पे जो है मेरे 3 ब्रदर और हैं, 3 भाई हैं, वो तीनों भाइयों ने, हम तो डेली यहाँ पे जो है बाहर एक पूरा सिस्टम लगा देते थे स्टॉल टाइप का, उसमें जो है आप पूरा जो यही चलता था कि भाई कोविड से कैसे बचना है, कैसे, मतलब जन जागरण में जो है जागरूक करने के लिए हम पूरी तरह से चारों भाइयों ने जी पूरा सहयोग किया। और बाकी तो हमने मोदी जी के साथ तो हम है ही जी सर। हर तरह बताइए तो दीपक तंवर जी, अब जैसे हम वार्ड नंबर 1 में खड़े हैं, यहाँ की क्या क्या बेसिक समस्या आपको लगती है गाँव की? हमारे यहाँ पे जो कैंट बोर्ड की अगर मैं कहूँ, क्योंकि हमारा कैंट बोर्ड में आता है, तो क्षेत्रीय समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पे सीलिंग की है। सीलिंग की, ओके, ठीक है। समस्या ये अभी पिछले 2-1 साल से, 2-2.5 साल से जो है ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, अदरवाइज पहले इतनी नहीं थी। उससे मतलब मेजर प्रॉब्लम जो है वो हमारी सीलिंग जो हो रही है, इसकी वजह जान लेते हैं क्यों हो रही है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो कानून है वो कैंटोनमेंट बोर्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं, और कैंट बोर्ड के जो कानून है वही पुराने चलते आ रहे हैं, तो उसमें कोई अमेंडमेंट या कोई और चीज़ हुई नहीं, उस वजह से हमें जो है समस्याएं आ रही है। तो इसके लिए आपने कुछ संघर्ष किया था इसको रोकने के लिए? रोकने की बात यह है, कई बार जो है हमारी, क्योंकि हमारी तो सेंटर में भी गवर्नमेंट हमारी है, मीनाक्षी बहन है, और हमारे यहाँ 5 वार्ड जो है हमारे वो हमारे ही हैं, जो 5 काउंसलर्स हैं, तो कई बार कोशिश की, जाते रहे हैं, आपस में मिलते रहे हैं, जो हमारे कई बुजुर्ग गण हैं, जो हमारे यहाँ RWA है, काफ़ी कोशिश कर रहे हूँ, अब भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे रहते हैं। तो विधायक जी कैसा रोल है यहाँ, विधायक जी काम कर रहे हैं क्षेत्र में? देखो, केजरीवाल जी ने तो यहाँ सारा, वो कहते हैं ना, सब सत्यानाश कर दिया, और जो पहले कमांडो सुरेंद्र सिंह रहे हैं उन, वो तो आते ही नहीं थे कभी, वही सेम समस्या इनकी है। जो वीरेंद्र कादियान जी हैं, वो हमने अभी तक तो हमने देखा नहीं उनको कहीं, तो जब नज़र ही नहीं आएंगे तो काम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम है। तो सर, अगर आपको पार्टी उतारती है कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 1 से, तो आपकी कोई इच्छा है आपके चुनाव करने की? नहीं, देखो इच्छा तो सभी की होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी जो दायित्व देगी उसको हम पूरे दिल से और इच्छा शक्ति से निभाएंगे, हमें देगी तो हम निभाएंगे, अगर किसी और को देती है, हमारे भाई बंधुओं को, किसी को भी देती है, तो हम उसके दिल से साथ रहे। तो एक तरह से किसानों का चल रहा आंदोलन, देखो किसानों की बात जहाँ तक आ जाती है, तो ये तो सबको जन जागृत है कि किसानों के आड़ में वहाँ पे क्या चल रहा है, देश विरोधी गतिविधियाँ चल रही हैं, और कुछ नहीं है। हम तो मतलब ये लगा लो जहाँ बैठे हैं, हमारे ये खुद खेत थे, बिल्कुल, आप खुद किसान परिवार थे, किसान परिवार से ही हैं हम, वो बात अलग है कि आज की डेट में हमारी किसानी नहीं है यहाँ पे, सब एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म हो चुका है, अदरवाइज हमारे जितने रिश्तेदार हैं उत्तर प्रदेश में, सारी रिश्तेदारियाँ हमारी उत्तर प्रदेश में, हमारी मासी हो, हमारे मामा हो, वहाँ वो लोग कहते हैं कि हमें कोई भी समस्या नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने और योगी जी ने इतना
अच्छा सिस्टम बना दिया है कि हम खुश हैं उससे, बहुत हैप्पी हैं। तो मोदी की जो योजना है सर, बेनिफिट्स हैं लोगों बिल्कुल के लिए। बिल्कुल वो बहुत सही चल रही है एकदम। अच्छा दीपक जी, 2020 तो काफ़ी संकटों के साथ बीता गया है, अभी 2021 नव वर्ष की शुरुआत हुई है, तो आप एक क्या संदेश देना चाहते हैं अपने नव वर्ष के उपलक्ष्य में जनता में? देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि हालांकि ये अंग्रेजी नव वर्ष है, हमारा जो नव वर्ष है वो तो अभी अप्रैल में आएगा, तो मैं अभी से सभी को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की आपको। अच्छा दीपक जी, एक सवाल हो रहा है, अभी जैसे नई टीम आपकी गठित हुई है, रंजीत शर्मा जी आपके यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, क्या आपको उम्मीदें लगती हैं कि संगठन कितना मजबूती की ओर जा सकता है? देखिए, संगठन को मजबूत करने के लिए ही संगठन बनाया जाता है, और समस्याएं आती हैं संगठन में भी आती हैं, लेकिन हम मैनेज कर लेते हैं आपस में, कोई दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, तो हम उसको मैनेज करेंगे। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत। तो ये हमारी सीधी बात दीपक तंवर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।